हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये सुबह का समय है, सुबह का भी नहीं बोलूँगी, अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। क्योंकि सुबह सुबह तो हम मंदिर जा के आए हैं, तो उसमें भी आधा एक घंटा लग ही गया। वहाँ से आने के बाद पूजा का तैयारी हुआ है, तभी लेट ही हो रहा है। मतलब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, फिर ठंड का समय में टाइम का पता भी नहीं चलता है। 9 बजे तक तो पूरा ठंड रहता है, धूप भी नहीं होता है, इसलिए हर काम में लेट भी हो जाता है। तो आज ये शादी से दूसरा दिन, तीसरा दिन का मतलब कि है, तो पूजा हो रहा है घर में। मंदिर जाके हम आ चुके हैं, उसके बाद पूजा का हो रहा है। सब कोई उधर लगे हुए, अपना कोई अपना काम में लगा हुआ, कोई बातचीत मीटिंग में लगा हुआ है। और यहाँ पूजा में एक दो आदमी हैं जो बैठे हुए हैं, और सब उधर लगे हुए हैं। सब कोई पूजा में बैठे हुए हैं, सब कोई अपने अपने काम में लगे हुए, क्योंकि आज सबका विदाई होना है। सब कोई जो भी शादी में आए हैं, मतलब धीरे धीरे सब कोई जा ही रहे हैं। सुबह से मतलब कि कल भी गए हैं, बहुत ऐसे हैं जो कल भी गए, बहुत ऐसे हैं जो आज भी जा रहे हैं। तो उन्हीं का विदाई का भी तैयारी चल रहा है, पूजा भी हो रहा है, खाने पीने का भी हो रहा है। सब अपने अपने बातों में लगे हुए हैं। ये वाला वीडियो पीयूष ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, काम भी उतना ज़्यादा हो गया, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। एक बार वही रखिए, यहाँ रखा थाली में रखवा देते हैं। ये भी उतारना है? हाँ, आपका पता बना है, उतारो। मेरा तो कीड़ा हो गया, सरकवासी है। खुलेगा? हाँ, खुलना ही पड़ेगा, नहीं खुलेगा। सबको पूरा काम ले लिया तुम लोग। थाली काम है, हो गया? यहाँ रख। तो इसके बाद ये दूसरा दिन का है। दूसरे दिन सुबह हम आए यहाँ, कोसी है मेरे यहाँ, जैसे गंगा जी होता है वैसे ही गंगा जी यहीं आके मिलते हैं कोसी में। तो यहाँ जैसे छठ का पूजा करने आते हैं, छठ पूजा का वही घाट है, तो छठ पे तो ये सजाया रहता है, तो उतना अच्छा लगता है। अभी यहाँ का सीन मैं आगे से आपको दिखाऊंगी। यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, जो भी पूजा का सामान होता है, शादी में जो पूजा हुआ था, जो भी पूजा का सामान रहता है, वो यहाँ मतलब कि नदी में बहाने के लिए आते हैं। पूजा होता है तो वही करने के लिए हम आए हैं। यहाँ बड़ी वाली बुआ जी है, अंकल जी है, फूफा जी है, मैं हूँ, दीदी है, बस हम 4-5 जन आए हैं। दीदी यहाँ पूजा कर रही है गंगा जी का, उसके बाद मैं यहाँ का सीन आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ऐसी जगह पे आके किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हवा भी चल रहा है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, हवा खूब तेज़ चल रहा है, धूप है, पर धूप में हवा चलने से मतलब ठंड रहता ही है। दीदी ने यहाँ पूजा कर लिया है, हालांकि नीचे पानी में भी दीदी गई थी, पानी लाने के लिए मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा सा ठंड भी है, डर भी थोड़ा सा लगता ही है पानी में जाने से। पूजा होने के बाद दीदी सबको टीका कर देगी, उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि हम आज शाम के कोई प्रोग्राम करने का तैयारी में, मतलब कुछ बनाने की तैयारी में है। यहीं आने के बाद दिमाग में आया भी है सबको। तो यहाँ देखिए खूब सारा गाय और ये गोबर का उबला भी बोलते हैं, गोठा भी बोलते हैं, तो यहाँ खूब सारा बना हुआ है। मतलब कि ठंड का मौसम, इसीलिए सबको देख के मन चला कि घर लेके जाए, मतलब आग जलाने के लिए, लिट्टी बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये। तो वही हम सब देख रहे हैं, हालांकि गीला है, पूरा भरा हुआ तो सब जगह पर पूरा गीला था। तो हम पूछ भी रहे थे यहाँ कि कोई बेचता है क्या, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई नहीं मतलब मिला कि कोई बेच दे। तो देख के मन तो खूब चल रहा था, पर यहाँ का जो व्यू है मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब थोड़ी देर के लिए हम घूमे फिरे हैं, ऐसा नहीं कि आने के साथ में चले गए हैं। यहाँ अंकल जी पूछ के आ रहे थे क्या मिलेगा, तो भैया यहाँ जो भी है जो बोल रहे थे कि नहीं अभी गिल्ला है, तो यहाँ से नहीं मिला। तो हम सोच रहे कि घर में मतलब घर जाने के बाद किसी से मंगवा लेंगे, फिर तो सब कोई चले जाएंगे। मतलब दीदी भी आई थी तो ज़्यादा दिन के लेने आई, टाइम से तो दीदी आई थी। फिर मतलब कि आज जब हम पूजा करने आए हैं, उसके दूसरे दिन दीदी चली भी गई थी, ज़्यादा दिन रुकी नहीं है। जब ये वीडियो आपके पास जाएगा, मैं वही जोर कर रही हूँ, तब तो सब कोई चले गए हैं। मेरी देवरानी भी चली गई अपने मायके, केवल जो घर में हम सब थे पहले वही रह गए हैं। तो यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए हम सब जा रहे हैं, मैंने सोचा आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ। यहाँ से जाते जाते मतलब दोपहर हो ही गया था, दोपहर के 1 बजे गए थे, मतलब कि 10 साढ़े 10 11 बजे तो हम घर से चले हैं। 2 घंटा यहाँ लग गया, रास्ता में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यही 10 मिनट मुश्किल से मेरे ख्याल से लगा होगा। यहाँ आने के बाद मतलब कि अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरे हैं। दो मंदिर है, दोनों मंदिर में दर्शन किए हैं। एक मंदिर मैंने आपको भी दिखा दिया, दूसरा वाला
मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि हम यहाँ फोटो खींच रहे थे, सब कोई फोटो क्लिक कर रहे थे, सबको शौकीन रहता है, मुझे कम रहता है थोड़ा सा, दीदी को उतना ही शौक रहता है, बुआ जी को भी उतना ही शौक रहता है, तो सब कोई खूब सारा फोटो भी खींच लिया, इसीलिए वीडियो कम बन पाया है। फिर शाम में भी हमको कहीं जाना है, पहले घर जाएंगे खाना पीना खाएंगे, उसके बाद शाम में भी कहीं जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ हम शाम के यही लगभग समझिए 4:30-5 बजे का टाइम है, तो हम यहाँ आ चुके हैं। आपको पहले भी मैंने बहुत बार यहाँ का दिखाया है, तो देखने से आपको समझ भी आ गया होगा। तो और तो सबको पीछे आ रहे हैं, मैं और पीयूष के पापा आगे गाड़ी में आए हैं, तो हम पहले पहुँच गए हैं, वो सबको पीछे आ रहे हैं, तो उनको मैं दिखाऊँगी। मतलब कि पूरा घर हमने देख लिया, घूम फिर लिया, तो अभी छत पर आए हैं, छत पर हवा चल रहा था, तो यहाँ का व्यू मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। बात तो मैंने आपके साथ खूब सारा किया है, पर वही है, यहाँ भी किसी का शादी था, तो वो भी मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ खूब तेज़ गाना चल रहा था, तो बाद में मुझे पता चला कि कोई फ़ायदा नहीं यहाँ बात करने से, तो मैंने यहाँ का वॉइस फिर बंद किया है, अपना वॉइस और करना पड़ा है। पर जब पहले हम आए थे तो इतना नहीं था, मैंने आपको दिखाया था, अब तो और ज़्यादा घर बनना शुरू हो गया है, वही मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है, आप सबको भी पसंद आया था, यहाँ मैं कहाँ आई हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार मैं आपको लेके आ चुकी हूँ, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पूरा समझ में आ गया है, एक बार नहीं 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं, तो मतलब कि 3-4 महीना में 2-3 महीना से यहाँ आ जाते हैं, तभी सबसे ऊपर हूँ, तो शायद आपको कुछ समझ में आए, अगर नीचे जाऊँगी थोड़ा सा दिखा दूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तब देखिए मैं इधर दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग भी आ चुके हैं, ये सीढ़ी का है, इसी से नीचे जाएंगे, यहाँ बनना थोड़ा सा बाकी भी है, पूरा काम हुआ नहीं, थोड़ा सा बाकी है, तो यहाँ देखिए आगे कैमरा करके आपको दिखाऊँगी, इसी रास्ता से सब कोई आ रहे हैं, सब कोई मतलब दीदी भी है, फूफा जी है, अंशु है, पीयूष पीयूष नहीं आया है सॉरी, पीयूष दुकान में, लकी भी आया है, बुआ जी, सब कोई आया है, कम से कम 15 जन सब कोई हम मिल के आए हैं। तो हम गाड़ी से आए थे तो हम पहले आ चुके थे, आइए टोटो से आए हैं सब कोई, तो इनको थोड़ा सा आने में टाइम लगा, क्योंकि बीच में फाटक आता तो वहीं ये सब रुक चुके हैं, तो इनको सबको वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहता है, जिसको फोटो खिंचाने का शौकीन रहता है उसको वीडियो में आने का उतना ही शौकीन रहता है, तो मैं वहीं से आपको दिखा रही थी, हालांकि मेरा आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रहा था, तो मैं कैमरा मतलब कि पास करके आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ पूरा, फिर भी दूर से उतना क्लियर नहीं आता है। हाँ, ये जगह देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम कहाँ आए हैं, सब कोई क्या देखने के लिए आए हैं, कहाँ आए हैं, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो समझ में पूरा अच्छे से आ गया है व्यू देखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत बार पहले भी यहाँ का ये दिखा दिया आपको, घर जो बना हुआ है यहाँ का व्यू पूरा दिखाया है, और फिर जब हम सब आए हैं उस हिसाब से भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो आपको वहाँ से दिखाई दे ही रहा है कि कौन कौन आया है, मतलब नए जो हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, पर दीदी को, शिवम भैया को, लकी को, इनको तो सब आपको जानते ही हैं, सब कोई जानता है इनको, तो बुआ जी है, फूफा जी है, वो ही आपके लिए नए हैं, तो वो भी शायद मेरी वीडियो में पहले कभी नहीं आए होंगे, क्योंकि जब वो इस पिछले बार यहाँ आए थे तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं वहाँ गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए मेरी वीडियो में आए नहीं है, नहीं तो जब भी मतलब बुआ जी फूफा जी आते हैं तो खूब मौज मस्ती हम लोग कर लेते हैं, तभी तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यहाँ आने का तो और सबका भी मन था, पर ठंड की वजह से नहीं आई, यहाँ देखिए बुआ जी आपको हेलो आई कर रही है, क्योंकि अभी ये उतना पास तो नहीं आई, यहाँ देखिए दूर करके मैंने दिखा दिया है, पर मेरा आवाज़ यहाँ तक जा रहा था, इनको पता था कि इनका वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए सब कोई हेलो कर रहे हैं। यहाँ देखिए घर भी देख लीजिए, बाहर से घर भी देख लीजिए, मैंने दिखा दिया है, यहाँ सब कोई बात कर रहे हैं, अब हम जाएंगे घर, ये सब कोई घर देखेंगे, क्योंकि हमको आए बहुत देर हो चुका है, फिर घर जाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा खाने पीने का तैयारी कर लूँगी, ये सब घर पहुँचे उतना देर में चाय पानी बना के रख लूँगी, ठंड का मौसम यहाँ तो और ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि खुला खुला है तो यहाँ तो और पूरा ठंडा लगता है, बाहर से मैंने घर भी आपको दिखा दिया, ये देखिए शिवम भैया को भी दिखा दिया है, हेलो कर लिया शिवम भैया ने भी, दीदी को भी मैंने आपको दिखा दिया है, अब आप सब बता दीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी हम सभी साथ आए थे, इस बार भी हम सभी साथ आए हैं, तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ आए हैं, यहाँ यही बात हो रहा है, कहाँ गेटने के लिए कैसे कब बनेगा, वही सब बात हो रहा है, 2 दिन में मेरा हाथ का मेहंदी भी उतर चुका है, हालांकि ऐसा कुछ काम नहीं है उसके बाद भी, अब हम घर चले जाएंगे, ये सब पीछे से आते रहेंगे, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है, सबका आना जाना लगा ही रहता है, तो उसके बाद मोटरसाइकिल में ठंड ज़्यादा लगता है, टोटो में कम लगता है, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो यहाँ देखिए सब कोई बाय कर रहे हैं, हालांकि ये भी मेरे पीछे पीछे आ चुके थे, इनको थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा कि फाटक बंद रहता है, इसीलिए यहाँ घर आने के बाद फिर से हम लग गए हैं काम में, क्योंकि ये लिट्टी बनाने का प्लान था कि इसको जैसे गोठा पे सेकते हैं तो उसे भी सेकने का प्लान था, पर गोठा मिला नहीं, इसीलिए हम फ्राई करके बना रहे हैं, खूब सारा लिट्टी बन रहा है, चोखा बन रहा है, इसी का पराठा बना लेंगे, सत्तू का पराठा जो बनता है वो भी बना लेंगे, जिसको लिट्टी खाना होता है वो लिट्टी खा लेंगे, जिसको पराठा खाना रहता है वो पराठा खा लेंगे, और मेरे यहाँ का खाना यहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं यहीं रहती हूँ सुबह से शाम तक, शादी वाला जो वीडियो बन पा रहा है वही मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, घर का तो कुछ बन ही नहीं पा रहा, क्या घर में ज़्यादातर मेरा रहना होता ही नहीं है, सुबह से शाम यहीं हो जाता है, यहीं सबको मतलब कि काम रहता है, शादी ब्याह का घर में कितना काम रहता है वो तो सबको पता ही रहता है,
तो यहाँ सबको मिल के करते हैं, ऐसा नहीं अकेले किसी को करना पड़ता है कोई। मतलब कि यहाँ बुआ जी और मैं फ्राई कर रहे हैं अंदर में, बड़ी वाली बुआ जी है, दीदी है, आंटी जी, ये सब बैठ के अंदर में भर रहे हैं।